आइडेंटिटी जाएगी। शरीर तो गिर ही रहा है लगातार, ये देखिए परसेप्चुअल एरर है, ये केवल देखने की त्रुटि है, परसेप्चुअल एरर इसको कहते हैं। जो लोगों को लगता है कि शरीर जाएगा एक दिन, वो तो रोज ही जा रहा है, कंटिन्यूसली इट इज़ गोइंग, इट इज़ इन द फ्लो। अगर अभी माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट लगाए जाएं और शरीर के ऊपर फोकस किया जाए और स्क्रीन पे उनको प्रोजेक्ट किया जाए, तुम देखोगे शरीर उड़ रहा है, एक सेल उड़ रही है, जा रही है, बदल रहा है। स्पिरिचुअल व्यक्ति इस बदलाव को देखता है और आनंदित हो जाता है कि रूप बदले हैं, शरीर कहाँ बदला, मैटेरियल नहीं बदला, केवल फॉर्म्स रूप बदलते रहे और वो कंटिन्यूअस बदल रहे हैं, कॉन्स्टेंट सुबह से शाम तक बदल रहे हैं। जितनी देर हम लोगों ने यहाँ बैठा सुना उतनी देर में बदल गया, तो शरीर तो जा ही रहा है, तो इसका इंतजार में ना रहें कि जिस दिन शरीर जाएगा किसी दिन, वो जा ही रहा है। वो आर्ट ऑफ डाइंग भी आर्ट ना सीखें। देखो शरीर तुम्हारी आर्ट साइंस की परवाह नहीं करता, वो ना तो तुम्हारी आर्ट से चलता ना तुम्हारी साइंस से चलता, वो तो बस चल रहा है, तुम जानो ना जानो वो वैसे ही फंक्शन करेगा। मैं इसके लिए शब्द उपयोग करूंगा नोइंग द मिस्ट्री, एंटरिंग इनटू द मिस्ट्री। क्या जानोगे, क्या आर्ट जानोगे, व्हाट इज देयर आर्ट। और फिर अगली बात, अगर कोई ज्यादा बुद्धिमान बनता है तो कहेगा चलो आर्ट छोड़ो साइंस, देन व्हाट इज देयर साइंस, क्या है विज्ञान, जितना हम जान रहे हैं जरा सा तिनका भर, वो तो बड़ा वास्ट है, बड़ा विशाल है, बड़ी गहराई है। और मृत्यु की गहराई कम बड़ी गहराई नहीं, बहुत बड़ी गहराई, इसलिए उसके साक्षी बने, उसको उतरे उसमें। और जन्म भी उतनी बड़ी मिस्ट्री है, लेकिन भारत में लोगों को गाने बजाने से फुर्सत मिले, जन्म की मिस्ट्री को जाना जा सकता है अगर घरों को थोड़ा मेडिटेटिव बनाया जाए। लेकिन घर में एक बच्चा आने वाला हो तो लोगों को अपने ही सब, उससे फुर्सत नहीं मिलती। एक बार वो फोकस करे, क्या मिस्ट्री ग्रो कर रही है, कितना बड़ा रहस्य घट रहा है, एक जीवन प्रकट हो रहा है, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य, दो टाइनी सेल्स बढ़ते बढ़ते एक जीवन में बदल रही हैं, उन कोशिकाओं को कहाँ से पता कब आँख बनना है, कब हाथ बनना है, कब दिमाग बनना है, कब ये बनना है, कब। और फिर इससे भी ऊपर कि उस शरीर के अंदर एक चेतना उतरने वाली है, मन पैदा होने वाला है, एक संवाद घटने वाला है, इस दुनिया और उस दुनिया के बीच में एक रिश्ता घटने वाला है, क्या कमाल का रहस्य हो रहा है। लेकिन हम कभी इस पर फोकस्ड ही नहीं होते क्योंकि हमने रूटीन ही ले लिया है, फैक्ट्री लाइन पे ले लिया है हम लोगों ने। तो इससे अच्छा है कुछ दिनों में बच्चे फैक्ट्री में बनने लगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि तो झंझट से मुक्ति होगी, अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे फैक्ट्री से, कुछ दिन बाद ले आएंगे लेबोरेटरी से। अगर इंसानों के माध्यम से वो आए तो उस रहस्य को जिए, मेडिटेटिव बन जाए। यानी कि अगर एक स्त्री 9 महीने में बिल्कुल इस चीज़ को 100% अनुभव से कहता हूँ, भारत ने इस अनुभव को जाना था, इसीलिए उसने स्त्री शक्ति को, मातृत्व की शक्ति को सर्वोपरि रखा था। अगर एक स्त्री कंसीव और वो 9 महीने कॉन्शियस जी ले, चैतन्यपूर्ण, होशपूर्ण, तो उसको किसी साधना, किसी ध्यान की जरूरत नहीं, इंस्टेंटली सी विल बिकम इनलाइटेड। क्योंकि रहस्य से जो संवाद शुरू हो गया है, इससे बड़ा ध्यान नहीं हो सकता। अगर वो पूरे 9 महीनों को ध्यान बना ले तो उसके बाद किसी ध्यान की जरूरत नहीं, इधर बच्चा पैदा हुआ और उधर एक इनलाइटेंड वूमेन। लेकिन हमको इनलाइटेंड वूमेन नहीं चाहिए, हमको तो वर्कर चाहिए, हमको तो काम करने वाली औरतें चाहिए,
इसीलिए हम उनको उस सब चीज़ों से दूर करते हैं, उनका मन भटकाए रखते हैं कि इन सब चीज़ों पे ध्यान ना देना। और फिर बच्चों में भी इतना कॉम्प्लिकेशन और तरह तरह के लड़के लड़की जेंडर और इतना उलझा दिया है कि वो सारी व्यवस्था ही खो जाती। लेकिन अगर कोई उसको देख ले, जी ले ध्यान से, तो फिर और किसी साधना की ज़रूरत नहीं। और अधिक ऑब्वियसली अगर कोई माँ मेडिटेटिवली जी लेगी तो संतान तो मेडिटेटिव फिर हो ही जानी है ना, क्योंकि वो तो इतना संवाद, इतना कम्युनिकेशन उसका बना हुआ है। और भारत में इसके भी प्रयोग किए गए अतीत में कि कैसे संतानों के गुणधर्म बदले जा सकते हैं। और कभी कभी अगर माँ अपनी चेतना को रूपांतरित करने में सक्षम हो जाए तभी संभव है कि बच्चों का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, उनकी कंडीशनिंग स्ट्रक्चर है, उसको भी ट्रांसेंड करवाया जा सके। अन्यथा तो वो कंडीशनड और जेनेटिक ढांचे के साथ ही पैदा होना है उनको। लेकिन अगर मीनवाइल माँ की चेतना बदल जाए तो उस समय माँ और बच्चे की चेतना इतने कम्युनिकेशन में है, संवाद में है, कि वो ढांचा बदल जाएगा। लेकिन बात और पीछे चली जाती है, बात यहीं तक रुकती नहीं है। तंत्र विज्ञान ने, विज्ञान भरो तंत्र से निकली धाराओं ने बहुत प्रयोग किया, इसलिए क्योंकि वो यात्रा केवल वहीं तक नहीं, वो और पीछे और पीछे और पीछे चलती जाती है। यानी कि जीवन का ये रहस्य है। तो मृत्यु जितना बड़ा रहस्य है उतना ही बड़ा जन्म भी रहस्य है। मृत्यु पर काम करने से भी हम डरते हैं, जन्म पर काम करने की फुर्सत नहीं हमको। और बीच में सारी धार्मिक उठापटक उपद्रव। अगर दो पोल्स पे बस काम हो जाए तो ज़्यादा धार्मिक क्रियाओं की ज़रूरत नहीं है व्यक्ति की। ना मृत्यु की बातचीत होगी कभी, ना उस पर कोई चीज़ होगी। अब जैसे अनंत के दें तो आर्ट सीखेंगे या साइंस सीखेंगे, हम कुछ करेंगे उस पर, लेकिन उसको महसूस करना, उस रहस्य में उतरना, उसको जीना, उसकी बात नहीं हम करेंगे कॉन्शियसली।